नमस्कार, इस वक्त आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से और ये नहर है पश्चिमी यमुना। और अगर बात की जाए गोताखोर प्रगट सिंह की टीम पूरी यहां पर मौजूद है। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि लगातार सालों से सेवा कर रहे हैं, वो भी निःशुल्क। और तमाम उन लोगों को भी यहाँ पर अगर कोई आता है उनको रोकते हैं कि इस तरह का कदम नहीं उठाना चाहिए। और एक सामाजिक जो है सेवा कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, वो कोई बड़े कारोबारी नहीं है, लेकिन फिर भी उनको एक धमकी भरा मैसेज आता है जिसमें उनसे फिरौती मांगी जाती है पूरे 5 लाख रुपए की। जी हाँ, एक विदेशी नंबर से उनको जो है मैसेज आते हैं, व्हाट्सएप मैसेज आते हैं, जिसके बाद उनको फिरौती मांगी जाती है, 5 लाख रुपए मांगे जाते हैं, उनको जान से मारने की धमकी दी जाती है, गोली मारने की धमकी दी जाती है। जिसके बाद आप देख सकते हैं प्रगट सिंह जो है पुलिस में शिकायत करने के लिए जरूर पहुंचे हुए हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ उनका कहना है। लेकिन अगर बात की जाए, अगर कोई व्यक्ति लगातार सेवाएं कर रहे हैं, निःशुल्क सेवाएं कर रहे हैं और लगातार समाज में अपना योगदान दे रहा है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके के वो व्यक्ति। और सबसे बड़ी बात, ये कोई जो जिस नाम से फिरौती मांगी गई है, एक गैंगस्टर ग्रुप, जी हाँ बम्बिहा ग्रुप के नाम से फिरौती मांगी गई है। फिलहाल इसकी कोई जानकारी नहीं है कि ये डायरेक्टली उस ग्रुप से ये नंबर संबंधित है या नहीं, लेकिन उनका जो है इसमें नाम जरूर लिया गया है कि वो बम्बिहा ग्रुप से है और 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी है। एक बार जो है बातचीत करते हैं कि क्या कुछ जो है गोताखोर प्रगट सिंह का कहना है और किस समय जो है पहला मैसेज उन्हें आता है। सर, क्या कुछ हुआ था और पहला मैसेज कब आया? जी बिल्कुल, ये देर रात तकरीबन 7:15 बजे के आसपास व्हाट्सएप के माध्यम से एक मैसेज मेरे नंबर पर आया था कि मैं दविंदर बम्बिहा ग्रुप से बोल रहा हूँ और मैं सीधे तौर से कहता हूँ कि या तो 5 लाख रुपया हमें दे दो, नहीं तो 1 महीने के अंदर आपको और आपकी टीम को गोली मारकर मार दिया जाएगा, कत्ल कर दिया जाएगा। तो पहले मैंने इस मामले में गंभीरता नहीं ली, लेकिन बाद में छोटी छोटी बच्चियां हैं, बुज़ुर्ग माँ है, वाइफ है, तो उन्होंने कहा कि हमें इस मामले में पुलिस तक पहुंचना चाहिए। तो हमने अपनी जिम्मेवारी निभाते हुए पुलिस के पास हम पहुंचे थे, एसपी साहब कुरुक्षेत्रा के पास, और उन्होंने पूरी गंभीरता से इस चीज़ को लिया, लिखित में कार्रवाई ली। उसके बाद तुरंत कार्रवाई को CIA 1 के हवाले किया, CIA 1 के बाद साइबर सेल में गई, थाना SHO जो मेरा है उसके पास गई, तो 4 पुलिस की टीमें अलग अलग अपने माध्यम से इस केस को लेकर लगी हुई। तो सर, क्या लगता है, कभी आपने पहले देखा था ये कहाँ का नंबर है, किसका नंबर है, कोई जानकारी मिली? नहीं, देखिए ये पहली बार ये नंबर मेरे पास आए और इस तरीके का जो हादसा है मेरी ज़िंदगी में ये भी पहली बार हुआ। तो सर, यानी कि ऐसा कोई है जो चाहता है कि आप ये समाज सेवा ना करें? जी देखिए, इस मामले में क्या कह सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, कोई इसी लाइनअप से जुड़े हुए लोग हों जिनको लगे कि प्रगट करनाल, कुरुक्षेत्र, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, पाकिस्तान बॉर्डर तक अपनी जो छवि है, अपना जो नाम है, उसको बिल्कुल फ्री में कर रहा है। तो ये तो मैं तो किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाता, लेकिन फिलहाल जो एक व्हाट्सएप मैसेज आया उसकी जो कॉपी है, डिटेल है, वो सारी मैं पुलिस अधिकारियों को हवाले कर चुका हूँ। कितने जो है रुपए मांगे गए फिरौती के आपसे? इसमें मैडम सीधे तौर पे दविंदर बम्बिहा ग्रुप बोल रहा हूँ, 5 लाख रुपया दे दो, नहीं तो तेरा मर्डर कर देंगे। तो सर, इसके बाद इन्होंने ये भी बताया कि कहाँ पर दे दो, किसको दे दो, ऐसी कोई जानकारी? एक नंबर और दिया हुआ है इसमें, वो भी फॉरन का है, +77 लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि इस नंबर पर आपको ये पेमेंट डालनी होगी। किसी की फोटो वगैरह भी आई सामने? अभी 2-3 फोटो हैं जो ये खुद ही डाली गई हैं, इसमें ये आप देख सकते हैं ये फोटो डाली गई हैं, ये फोटो हैं। उसके बाद ये एक ID भेजी गई, CIA गुरु ही पता, इंस्टाग्राम जो भी है, ये 2-4 चीज़ें जरूर हैं। इसमें कुछ अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल किया गया। तो सर, क्या लगता है कि अभी पुलिस जो कार्रवाई कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका इस तरह से अब आप बाहर निकलेंगे, क्योंकि लगातार आप सेवाएं देने के लिए दिन रात आते हैं बाहर, तो कहीं ना कहीं डर का माहौल? जी देखिए, परिवार की बात करें तो परिवार फिलहाल ये मैं कह सकता हूँ डरा हुआ, क्योंकि हमारी लाइनअप भी ऐसी है कि हमने तकरीबन सारा जो हमारी कवरेज होती है नहर की होती है, जंगल की होती है, रात की होती है, तो सुचेत तो इसमें रहना पड़ेगा, क्योंकि हमने देखा सिद्धू मूसे वाला मर्डर मामला, तो उन चीज़ों से आज समाज भी मैं कहूँ पूरा डरा हुआ। सर, अगर आप देखेंगे तो लगातार जो है गैंगस्टर की संपत्तियों पर भी कार्रवाई की जा रही है, लगता है कि ये एक्चुअल में बम्बिहा ग्रुप से जुड़े हो सकते हैं? ये देखिए, इस चीज़ के साथ हम जोड़ भी सकते हैं, जैसे उन्होंने परसों ही हरियाणा प्रशासन को सीधे तौर पर धमकी दी थी कि वेट एंड वॉच,
तो उस चीज़ की अगर बात करें वो तो उनके ऊपर वो चल रहा है, मेरा तो उससे कोई मतलब नहीं हो सकता। उसी चीज़ को लेकर हरियाणा में अगर पहली धमकी आई तो मेरे पास यही हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो सर आप जो है कुरुक्षेत्रा के रहने वाले हैं और करनाल में भी जो है लोग आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, अगर मैं बात करूँ करनाल ही नहीं पूरे हरियाणा में जहाँ कहीं भी ज़रूरत होती है, दिन हो चाहे रात हो, गोताखोर भगत सिंह इसी तरह से जो है वो पहुँच जाते हैं और पूरे 5 लाख रुपये की फिरौती मांग ली जाती है। और आप अंदाज़ा लगाते हैं कि यही पश्चिमी यमुना नहरें हैं जहाँ लगातार वो पहुँचते हैं, चाहे वो अगर गणेश पूजन की बात हो वहाँ पर भी अपनी सेवाएं देते हैं, या कोई अनजान शव जब मिलता है उसको भी निकालते हैं, और सबसे बड़ी बात जब कोई नहर पर आत्महत्या जैसी कोशिश करने पहुँचता है उसको भी जो है समझाते हैं कि उसे ऐसा कदम नहीं उठाना है। अब आप अपने आप में अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक ऐसे व्यक्ति को जो है धमकी भरी मैसेज आना और उसके अंदर एक गैंगस्टर ग्रुप का नाम आना अपने आप में जो है डरने वाली बात ज़रूर है, क्योंकि किसी भी तरीके से इन मैसेजेस को मजाक में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कई बार इस तरह के मैसेज सच भी हो सकते हैं और कई बार हो सकता है कि कोई मजाक कर रहा हो, जानबूझकर डराने को जो है उसने मैसेज किया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि गोताखोर प्रगट सिंह लगातार जो है सेवाएं करते हैं, जिसके बावजूद उन्हें मैसेज जो है इस तरह के मैसेज आए जिसके अंदर उनसे फिरौती मांगी गई है, एक विदेशी नंबर है जिसके अंदर फोटोज भी दिए गए, एक फेसबुक आईडी भी दी गई है। आप लोगों से अपील यही रहेगी इस वीडियो को शेयर जरूर करें, और अगर बात की जाए तो पूरा करनाल कहीं ना कहीं उनके साथ है और उनके साथ खड़ा है, और पुलिस की बात की जाए तो वो भी उनके साथ है। उनको लगातार जो है नंबरों को ट्रेस करने की कोशिश की जाएगी कि आखिर किसका है और किस आईपी पर ये जो है हुआ है। फिलहाल जो है पश्चिमी यमुना नहर पर मौजूद है और कुरुक्षेत्रा के रहने वाले हैं गोताखोर प्रगट सिंह, वहाँ के एसपी को भी जो है शिकायत दी गई है, करनाल भी पहुँचे हैं। और एक बार फिर से बता दूँ कि गोताखोर प्रगट सिंह को व्हाट्सअप पर जो है मैसेज आते हैं और इस तरीके के मैसेज आते हैं, उनसे फिरौती मांगी जाती है, उनके लिए अभद्र भाषा यानी गालियाँ जो है उन्हें कहीं ना कहीं दी गई हैं, उसके अंदर 5 लाख रुपये जो अमाउंट पूरा लिखा गया है। अब देखने वाली बात है कि इस मामले में क्या कुछ निकल कर सामने आता है, क्योंकि सबसे बड़ी बात अगर बात की जाए तो ऐसा आप देख रहे होंगे लगातार जो है गैंगस्टर की संपत्तियों पर कार्रवाई की जा रही है, और हरियाणा सरकार की बात की जाए तो उनको भी जो है दिलेर कोटिया का जब जो है घर असंध में गिराया जाता है, तोड़ा जाता है, उस पर कार्रवाई की जाती है, उसके बाद उधर से जो है कहीं ना कहीं एक बम्बिया ग्रुप का पोस्ट वायरल होता है जिसके अंदर सीधे तौर पर हरियाणा सरकार को जो है धमकी दी गई थी। लेकिन उसके बाद आप देख सकते हैं कि अब समाज सेवी गोताखोर हैं उनको भी धमकी जो है आना शुरू हुई है। फिलहाल अगर आपके जो है आसपास ऐसी कोई बात है तो आप भी ज़रूर इसकी जानकारी पुलिस प्रशासन तक पहुँचाएँ, और ताकि जो भी ये मामला जो है जिससे भी जुड़ा हो, चाहे बम्बिया ग्रुप से ये मामला जुड़ा हुआ है चाहे नहीं है, लेकिन अपने आप में डराने वाली बात ज़रूर है, धमकाने वाली बात जरूर रही है, जिसको लेकर पुलिस को जानकारी दे दी गई है। फिलहाल आप लोगों से अपील रहेगी इस वीडियो को शेयर जरूर करें, और उन लोगों के साथ खड़े होने का फर्ज जरूर बनता है जो आपके लिए दिन रात सेवा करते हैं। मैं आरती राणा से योगी अमन ग्रोवर के साथ करनाल से आप सभी के साथ आई, धन्यवाद।